ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस होते क्या है। वायरसेस एक्चुअली होते क्या है उसके बारे में पहले मैं एक बैकग्राउंड आपको बता दूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जिनको पनपने के लिए किसी दूसरी बॉडी की ज़रूरत होती है और उनका गुजारा उसी से चलता है। और आजकल आपने बहुत ही ट्रेंडिंग एक वर्ड सुना होगा, किसी वीडियो का वायरल होना। वायरल वर्ड आप जानते हैं किस चीज़ से बना है? वायरस से, क्योंकि वायरसेस काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी दूर तक फैलते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बात बता दूं कि कोरोना वायरस सिर्फ एक वायरस नहीं है बल्कि 7 डेंजरस वायरसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से जो 2 वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, जिनका नाम है सार्स और मर्स। ये 2 जो वायरस हैं वो चमगादड़ और स्नेक के मीट से आते हैं, क्योंकि कई रिसर्चेज में ये पाया गया है, और चाइना के एक ह्यूमान सिटी के मीट मार्केट से इनकी ओरिजिन देखी गई है। तो ये कोरोना वायरस काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और इनफैक्ट ये 2019 दिसंबर से ही ये काफ़ी ज़्यादा फैलना स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको हमने 2019 एनकोव यानी नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने इसे ये नाम दे दिया है। और ये पूरे विश्व भर में ये काफ़ी ज़्यादा ये वायरस तांडव मचा रहा है। इनफैक्ट 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 2000 से ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं ये वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। और चाइना भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है, कुछ अपने वो चाहता है कि उनके जो कंट्री के जो लोग हैं वो शहर से दूर नहीं जाए, कंट्री से बाहर नहीं जाए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ चाइना में ही सीमित रहे, बाकी देशों में इन सारे चीज़ों का नुकसान नहीं हो। और चाइना बहुत ज़्यादा मेडिकल हेल्प भी कर रहा है अपने लोगों के लिए, और WHO के भी गाइडलाइंस के हिसाब से आप चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो नज़र आते हैं वो मैं बता दूं कि 2 तरह से ये वर्क करता है, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में और एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। तो जब अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो सिम्टम्स देखे गए हैं वो होता है कफ, और ड्राई कफ भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, जैसे सर्दी जुकाम जो हमें नॉर्मल जो सर्दी जुकाम है उसी तरह का होता है। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल ये चीज़ होती है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, अगर ये चीज़ें काफ़ी इंटेंस हो जाए, तो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स देखनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, ब्रेथलेसनेस होना, और इनफैक्ट न्यूमोनिया के भी सिम्टम्स देखे गए हैं जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो गई है। तो सरकार है वो अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है लोगों को, और इनफैक्ट भारत की मैं बात बता दूं कि भारत में इसके ट्रेसेस बहुत ही नेग्लिजिबल देखे गए हैं, घबराने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप सिम्टम्स को देखें, और अगर आप क्योर में आप प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम चिकन पॉक्स जिसे किसी व्यक्ति को हो जाता है तो हम उनको क्या करते हैं, थोड़ा आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो कुछ दिन तक आइसोलेट रहें, वो जब तक ठीक हो जाते हैं उसके बाद वो नॉर्मली सबके साथ वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। उसी तरह सेम वे अगर किसी पर्सन को आपको लगे कि लगातार या बहुत ज़्यादा दिन तक अगर सर्दी ज़ुकाम जैसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, तो आप आइसोलेट रहने की कोशिश करें। अगर वो छींकते हैं हाथ से रुमाल से तो उनके हाथ से ज़्यादा कांटेक्ट ना करें, रुमाल को यूज़ नहीं करें। आप इस तरह से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। और इनफैक्ट सारे गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, जैसा मैंने बताया भारत में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि चाइना से आने वाले जो लोग हैं उनकी एक थॉरो एग्जामिनेशन होगी, एक थर्मल सेंसर के थ्रू उनको देखा जाता है, जैसे कि 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें लागू की गई हैं। और कुछ अगर ट्रेसेस उनको दिखे भी हैं, माइल्ड माइनर से भी ट्रेसेस दिखे गए हैं, तो वो पर्सन को इमिडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन हाँ, जागरूक रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके समाज में आपके आसपास क्या हो रहा है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन तरह की प्रिवेंशंस कर सकते हैं और बचे रहिए। भले इस वीडियो को आप लाइक मत करिए, लेकिन हाँ, दूर तक आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप उन सारे लोगों तक भी पहुँच जाए कि एक्चुअली ये कोरोना वायरस कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा हुआ है, वो सब कुछ वो वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।